भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए आकर्षक और सुंदर मंदिर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें और भगवान श्री गणेश के मंदिर के साथ सजावट की सामग्री जरूर खरीदें। हमारा पता, गणेश स्टेशनरी मार्ट वृद्धाश्रम के सामने, अस्पताल रोड दमोह, अग्रवाल स्टेशनरी मार्ट, फुटेरा वार्ड नंबर 2, दमोह। दमोह जिले के एक जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए दृगपाल सिंह लोधी के द्वारा बिगड़े बोल कहे गए हैं। उनके द्वारा पत्रकारों और सनातन धर्म के गुरु के प्रति अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको लेकर के हिंदू संगठन एवं पत्रकार संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच करके नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया तथा दृगपाल सिंह लोधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। उसने जातीय संघर्ष फैलाने का प्रयास किया और हमारे संत श्री बागेश्वर धाम सरकार एवं समस्त मीडिया जगत बलात्कारी कहा है, समस्त लोकल की मीडिया, देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया बलात्कारी कहा है। इससे हम समस्त हिंदू संगठन के लोगों ने काफ़ी आक्रोश है और इस प्रकार पैसे लेकर विदेशी संस्थाओं द्वारा जातीय संघर्ष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम समस्त हिंदू संगठन की ओर से आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। अतिशीघ्र ही हम ठोस कार्रवाई इस पर चाहते हैं। Yes, sir. Sir, but there is one point on which I want to make your focus. Sir, which is legal problem? Which is legal problem? Sir, sir, पहले से criminal record था, कई बार known record चुका है। सर्वप्रथम तो मैं रानी अवंती बाई जी के चरणों में उनको दुर्गा स्वरूप मानकर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हम सभी बड़ी गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे इस बुंदेलखंड की धरा पर ऐसी वीरांगना जन्मी। आज का विषय ये है कि हम सभी हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आज एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए। एक कोई दलाल है दतला गांव का, दृगपाल, वो विदेशी संस्थाओं द्वारा पैसे लेकर हिंदू समाज को तोड़ने के उद्देश्य से, जातीय संघर्ष फैलाने के उद्देश्य से पैसा लेकर ऊटपटांग बयानबाजी, संतों को, बागेश्वर धाम सरकार को बलात्कारी कहना, समस्त मीडिया जगत को बलात्कारी कहना, इस प्रकार का माहौल मचाने के उद्देश्य से उसने ये जो सोशल मीडिया पे बयान दिए हैं उस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग लेकर एसपी साहब के पास आए हैं। ऐसे लोग अपने मंसूबों में कतई सफल नहीं हो पाएंगे। वो सोचते हैं कि विदेशी संस्थाओं से पैसे लेकर दलाली करके हम हिंदू समाज को तोड़ देंगे। हिंदू समाज तुम जैसे लोगों के षड्यंत्र अच्छी तरह समझता है। इन्हीं बातों को लेकर हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जिला पंचायत का सदस्य है शायद वो, उसने अभी जनता की वोटों को 30 लाख रुपए में बेचकर अभी वोट किया है, ये सर्वविदित है। तो ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा जानते हैं, ना उनको किसी समाज से मतलब है, ना किसी जाति से मतलब है, ना देश से मतलब है। सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, दलाली करना, पैसे कमाना, बस केवल इनका इतना उद्देश्य है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम ईंट से ईंट बजा दे देंगे प्रशासन की। ऑन बिहाफ ऑफ यूथ जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, वी ऑल हैव गैदर्ड हियर ऑन बिहाफ ऑफ मीडिया टू रिप्रेजेंट द मीडिया एंड टू प्रोटेक्ट द सनातन धर्म। देयर आर सम अनवांटेड पीपल हु हैव गिवन वेरी bad comment over the media and on the people of Sanatan Dharma. The so-called rascal people, they have told that this media is a rapist. They have given the rapist word to whole media. So on behalf of all media, we came with
the complaint to the superintendent of police here in Damoh district, and we request the government to take strict action against the person who have given the very rascal word of rapist to the whole media and to the people of the Sanatan Dharma, Mr. Dragpal, who is the representative in Jilla Panchayat. So we all media people, on behalf of whole media, request the government people to take the strict action against such rascal person, so that we could maintain the peace in the society. Because of such comment, being a representative in political system against media, it's the biggest crime. And we all people, on behalf of Youth Journalist Welfare Association and media, request the government to make the FIR, so that all the people will be warmed in the future. Thank you. Jai. दमोह जिले में, दमोह जिले के कुछ असामाजिक तत्वों ने संपूर्ण मीडिया जगत को बलात्कारी शब्द से संबोधित किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में और भारतीय न्याय व्यवस्था में, जब तक कि कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, उसको अपराधी भी कहना गलत होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे गवार हैं, समझ नहीं आता, उन्होंने बिना किसी तथ्यों के आधार पे जोश में आकर पूरी मीडिया जगत को ही बलात्कारी कहा है। इसी के अगेंस्ट आज पूरा युवा पत्रकार कल्याण संघ की टीम एसपी ऑफिस आई है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करती है और मानहानि का मुकदमा कायम करने की भी दरखास्त करती है। जय हिंद, जय भारत। आज विभिन्न हिंदू संगठन और पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो जिला पंचायत सदस्य दुखपाल सिंह, उसके द्वारा अपमानजनक टिप्पणियां की गई है, इस संबंध में ज्ञापन का तथ्यात्मक जांच कराई जाएगी, जो भी हो विधि संगत निवास सरकार की जाएगी।